एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है जहां पर 1 करोड़ घर यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है जहां पर 1 करोड़ घर यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें से पहला है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है जहां पर 1 करोड़ घर यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा, उनको लाभ मिलेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे। वहीं पर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारी एक और लंबी छलांग लगेगी जहां 45 गीगावाट के लगभग रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन होगा। आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था। अब इसके थोड़ा सा मैं इसको विस्तार में आपको इसलिए बताना चाहता हूं, इससे करोड़ों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, वो भी रूफटॉप सोलर प्लांट्स की एग्जीक्यूशन में जो बढ़िया काम करेंगी उनको हम इंसेंटिव देंगे और केंद्र सरकार के सभी भवनों पर 2025 तक प्रायोरिटी बेसिस पर मिशन मोड में रूफटॉप सोलर का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। एक इसमें आप सबके ध्यान में डाल दूं, जो भारत में मैन्युफैक्चर्ड सेल्स और मॉड्यूल होंगे उन्हीं का ही स्कीम में उपयोग किया जाएगा और सब्सिडी के आप पात्र बनेंगे। अब इसको 2023-24 से लेकर 2026-27 तक का प्रावधान रखा है और इसमें कुल मिलाकर 75,021 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है और ये सेंट्रल सोलर स्कीम है।